दोस्तों नमस्कार, ये जो इलाका है बोरिया खुर्द का है और हम यहाँ पे आज जो है लाइव कर रहे हैं। ये देखिए तरुण हेयर ड्रेसेस एंड सैलून जो है खुल चुके हैं। कल मंगलवार था तो जो सैलून है बहुत सारे सैलून वो खुले नहीं थे, तो आज इनका पहला दिन है। कई जगह जो है पहले खुल चुके थे लेकिन आज बहुत सी जो सैलून है उनका पहला दिन है, तो हम यहाँ कुछ लोगों से बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सैलून खुल चुके हैं, पहला दिन है ये। हम यहाँ के ऑनर से बात करना चाहेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? तरुण कुमार नाम है मेरा। तरुण भाई ये बताओ कितने दिन बाद जो है सैलून खुला है? करीब करीब 54 दिन बाद खुला है। तो इस 54 दिन में आपके दिमाग में क्या क्या बातें चल रही थी, क्योंकि बहुत सी दुकानें लगातार खुलते जा रही थी और जो इसको खोलने में बहुत समय लगा और अचानक जो है शासन का फैसला आया कि नियमों के तहत और शर्तों के तहत जो है सैलून जो है खुलेंगे? इसमें कुछ और बदलाव होने चाहिए थे जो नहीं हो पाया। अच्छा, क्या क्या? जैसे कि कस्टमर लोग को खुद का टॉवल यूज करना, ये सब तो दिए हैं लेकिन हर कस्टमर वो चीज लेके नहीं आ रहे। अच्छा, लोग के पास उतना है उतना ही यूज कर रहे हैं। अच्छा, लोग मतलब जागरूक नहीं है, मतलब इतना बोलने के बाद भी जो है खुद की सुविधाएं वो लेके आ नहीं रहे हैं। तो आप यहाँ क्या क्या सुविधाएं रखें ये बताइए। मेरे पास सब चीज है जो सरकार बोले है, जैसे सैनिटाइजर रखे हैं आप कहाँ पे है ये? अच्छा, ये सैनिटाइजर का यूज हो रहा है सबसे पहले, उसके बाद डिटॉल साबुन है, डिटॉल का डिटॉल पानी है, डिटॉल साबुन है। अच्छा, यहाँ पे डिटॉल और पानी आपने अलग से रखा हुआ है? सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये दूरी भी यहाँ पे नजर आ रही साफ साफ कि भाई दो लोग हैं तो गैप के साथ बैठे हुए हैं। अच्छा, तो जैसे ये 2 महीना करीब आपका काम बंद रहा, तो उस समय आपके दिमाग में किस तरह की बातें चल रही थी? ऐसे तो दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी और मेन चीज ये था कि घर का समस्या था, रोजगार। मेरे दो दो जने लड़के हैं, इनको काम की सुविधा नहीं है। हाँ, लोग मेरे भरोसे बैठे थे। अच्छा, इन लोग को आज बहुत खुशी है कि दोनों जने आज काम पे आए हैं। अच्छा, तो तरुण भाई कई बार क्या होता है कि भाई हम जो है कई तरह की EMI में फंसे होते हैं, तो आपके साथ भी इस तरह कोई समस्या थी क्या? हाँ, हुआ है ना सर। तो क्या था उसके बारे में थोड़ा बताओ, किस तरह की क्या क्या आपकी कितने किस्तें जारी है और ऐसे में कैसे आपने मैनेज किया? हाल ही मेरी शादी हुई है। अच्छा, कुछ दहेज का कुछ सामान था, उसको EMI कटवाना था, तो मैं जाके बैंक वाले से बात किया हूँ। हाँ, उन लोग बोले कि छूट तो मिलेगा लेकिन कुछ कुछ ऐसा बताया है कि परसेंटेज लगेगा। अच्छा, 3 महीने बाद आपको देना पड़ेगा। हाँ, वही सब थोड़ा सा दिक्कत था और कुछ नहीं। दुकान किराया अभी तो मैं दिया नहीं हूँ 2 महीने से, और मतलब पता नहीं दुकान मालिक किराया लेगा कि नहीं लेगा, ये अभी तक मुझे पूरी बात पता नहीं है। अच्छा अच्छा, कितने लोग आपके यहाँ और भी जॉब करते हैं? मेरे यहाँ 2 जने हैं बस, छोटा वाला भाई है, ये भी छोटा वाला भाई है। अच्छा अच्छा, ये 2 कर रहे हैं। तो कल जैसे कि शासन का आदेश आया था, तो कल मंगलवार था, तो मेरे ख्याल से आप लोग आज खोले हैं? हाँ, 2 महीने से दुकान खोली था ना, बहुत ज्यादा धूल लगकर था। हाँ हाँ, तो साफ सफाई किया हूँ, फिर उसके बाद आज खोला हूँ। कल जो है साफ सफाई में ही जो है हो गया, बीत गया कल पूरा। अच्छा अच्छा, आज खोला हूँ। तो ये 2 महीनों में कई लोगों का फोन भी आता रहा होगा कि भाई हम लोग कैसे करें क्या करें कि जाना ही था, बोलते थे कस्टमर लोग घर पे आके बना दो कर, तो मेरे पास ऐसा कुछ सुविधा नहीं था, सब सारी दुकान में थी। अच्छा, मैं लेके आया नहीं था। अच्छा अच्छा, तो अभी मैं बोला कि नहीं हो पाएगा, तो जब सब दुकान खुला जी जो भी बात बोले सरकार ने पूरा सबकी बात को परहेज किया हूँ, सबकी बात लेके जा रहा हूँ सरकार की बात। जैसे अभी 31 तक लॉकडाउन है और उम्मीद है कि भाई उसके बाद फिर और बढ़ सकता है, तो एक ही डर है कि मेरे जैसे और काम करने वाले भाई हैं गांव में शहर में जैसे भी, उन लोग इस चीज का पालन करें अच्छे से, नहीं तो अगर हम सैलून दुकान किसी किसी भी चीज में किसी एक के यहाँ कई लोग अगर संक्रमित होते हैं उससे हमारी सारी दुकानें फेल हो सकती है। बिल्कुल, पूरे हमारे सैलून प्रशासन को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, इस चीज का थोड़ा ख्याल रखें और सब लोग परहेज बरतें और कस्टमरों को भी ये चीज बताएं। अच्छा, ये बताइए कि भाई 2 महीने के बाद लगभग लोग आ रहे हैं, तो आपने जो चार्ज ले रहे हैं वो बढ़ा के ले रहे हैं कि या जो नॉर्मल है वही ले रहे हैं? जो पहले था वही चार्ज। लेकिन ये है कि मेहनत तो आप लोग की तिगुनी लगभग हो रही, किसी के बाल इतने लंबे हो गए, किसी दाढ़ी जो है चौगुनी बढ़ गई है, वो तो काम है ना भैया। अच्छा, तो बाकी लोग का क्या मैसेज है भाई, जो आपके जो कस्टमर हैं और जिनके और दूसरे लोग भी जो सैलून जाने वाले हैं, जैसे यहाँ के लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगे, जो इसको देख रहे हैं सुन रहे हैं उनको आप क्या बोलेंगे भाई कि किस तरह तैयारी के साथ जाएं वो सैलून? अब रोज सरकार तो गाइडलाइन कर रही है लेकिन मेरे पास जो जितने भी कस्टमर आते हैं उनको एक बार मैं समझाता हूँ कि आप लोग निकलते हो यहाँ से जाने के बाद तो अच्छे से हाथ पैर सैनिटाइज करके निकलो, मेरे पास सारी सुविधा है, और घर जाके घर में घुसने से पहले हाथ मुंह का नो फिर उसके अंदर घर में प्रवेश करो।
अच्छा बताओ, लोग जागरूक क्यों नहीं हो पा रहे, इतना बोलने के बाद भी आखिर उनको समझ क्यों नहीं आ पा रही है बात? बारे में मैं क्या बोलूं सर, मैं आपको क्या लगता है, मतलब ऐसा क्या उनको लगता है कि भाई वो बातें जो हवा हवाई है, जबकि इतनी तेजी से हम 1,00,000 पार कर चुके हैं देश भर में कोरोना संक्रमित जो है 1,00,000 से ज्यादा हो चुके, तो ये कहीं ना कहीं लोगों की समझ भी इसमें इसलिए समझ नहीं आ रहा कि उनके घर वाले उनके दोस्तों या रिश्तेदार किसी को ये चीज हुआ नहीं है, चीज से उन लोग गुजरे नहीं, इसलिए उन लोग को समझ नहीं आ रहा, जितने लोग उन लोग से गुजरे हैं उन लोग को अच्छे से पता है, इसलिए यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में इतना एकदम एक्टिव नहीं है, मजाक से लेके चल रहे हैं कई लोग। अभी परसों तक जो है कहीं भी ब्यूटी पार्लर या सैलून का नाम ही नहीं था, ऐसा लग रहा था कि सैलून जो है हो सकता है कि महीने भर बाद और खुले। उस समय आप लोगों ने, आप लोग के संगठन ने मांग उठाई थी क्या कि भाई सरकार से कि हमें खोलने का मौका दिया जाए, कि हम नियमों के तहत खोलना चाह रहे हैं? हमारे सैलून ऐसा संघ जो हमारे सेल समाज के प्रदेश स्तर तक जीती है, उन लोग मांग रखे थे कुछ 30 करोड़ रुपए। अच्छा, शासन से मांग करेंगे करके। हाँ, उस चीज में पता नहीं सुनवाई हो क्यों, इसकी जानकारी मुझे अभी नहीं है। हाँ, होने पर मैं जरूर आपको खबर करूंगा। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उन लोग से हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? यश। कहाँ रहते हो आप? गोरिया। अच्छा अच्छा, तो भाई इतने दिन से सैलून बंद था, तो उस समय कैसे कर रहे थे आप? घर में ही ऐसे ही थे मतलब? अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें और है। हाँ बिल्कुल, यहाँ इन्होंने फॉलो किया हुआ है कि जो आ रहे हैं उनके नाम हैं और उनकी टाइमिंग, मोबाइल नंबर और सारी चीज़ें जो है पंजी में दर्ज हो रही है, ये क्योंकि बहुत ज़रूरी चीज था कि कभी ऐसा ना हो कि किसी को कुछ कोई संक्रमित हो। लेकिन इससे एक चीज़ ये रहेगा कि जानकारी मिल जाएगी पूरी की पूरी। तो तरुण भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके साथियों से हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि भाई आपका क्या नाम है आपका? दुष्यंत श्रीवास्तव। दुष्यंत, दुष्यंत 2 महीने तक जब दुकान बंद थी तो उस समय आपका दिन कैसे कट रहा था? घर में थे कुछ दिन पहले। हाँ, तो लॉकडाउन थोड़ा ढीला हुआ तो क्रिकेट खेलने चले जाते थे। अच्छा, दिन ऐसे निकल जाता था। चलिए ठीक है, एक और साथी उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है? महेश। महेश, आप जो है क्योंकि 2 महीना 54 दिन 55 दिन जो भी लगभग हो गया, इस बीच आप क्या करते थे घर में? घर में तो कोई फिल्म वगैरह, कोई फिल्में देखी है आपने? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि पहले तो हर हफ्ते आप फिल्म जाया करते रहे होंगे मल्टीप्लेक्स में, वो भी बंद है, तो अभी कैसे यूट्यूब में देखते थे कि कैसा करते थे, क्या टाइम आपका टाइम कैसा कटता था? मोबाइल टीवी। अच्छा, मोबाइल और टीवी। हाँ, तो इनसे भी हम पूछा जाएंगे, आप बहुत सारी फिल्में आप भी देख चुके होंगे। क्या क्या नाम बताइए जो हमारे दर्शक जो है सुनेंगे तो वो भी उनको अगर अच्छा लगे तो वो भी। पुराने वेब सीरीज है उसी को मैं देखा हूँ, अभी नया तो एक उसका आया था क्या बोलते हैं अट्रैक्शन करके नेटफ्लिक्स में, उसको देखा बहुत अच्छी है। भूल देखा वो भी बहुत अच्छी है। जैसे अब चूंकि अब इतनी सारी वेब सीरीज देख चुके हैं, मल्टीप्लेक्स का जो भविष्य है वो फिलहाल खतरे में, अब कब खुलेगा उसका भरोसा नहीं है। आने वाला जो प्लेटफॉर्म है एक वेब सीरीज का कितना कारगर होगा एज ए दर्शक? वेब सीरीज तो नहीं, मेरे को लगता है कि अब आने वाले समय में जितनी भी मतलब मूवी आने वाली है सब लोग, सब मूवी मोबाइल पे आ जाएगा, सब ऐप बनेगा, उसे सब लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं, सीधा लाइव देख सकते हैं। चलिए ठीक है तरुण भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का, और आप लोग ने बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया।